3 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ इस प्रोडक्ट के साथ. जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ओरिफ्लेम के इनका जो मार्केटिंग सिस्टम है, इनका जो सप्लाई सिस्टम है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हाउसवाइव्स हैं, औरतें हैं जो अपने घरों से ये प्रोडक्ट्स बेचती हैं एक दूसरे के साथ. आई थिंक इससे होता क्या है, अपने घरों को संभालते हुए उनका जो इनकम होता है उससे उनमें जो पावर आती है, इंडिपेंडेंस आता है, उनकी जो एक ज़रूरतें पूरी होती हैं, इट्स अमेजिंग. एंड आई थिंक ये जो एम्पावरिंग चीज़ जो ये प्रोडक्ट करती है, वाइल ऐसा नहीं है कि कोई कैसा भी प्रोडक्ट है और ये हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट और लिटरली इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, स्वीडिश प्रोडक्ट है और उस तरह की क्वालिटी भी है इसकी. एंड आई लव हाउ दे एम्पावर द वुमेन व्हेन लिटरली जॉब्स देते हैं, क्योंकि कई हमारे घर ऐसे हैं जहाँ पे नहीं जा सकती हैं औरतें रोज़ काम पे, घर से निकल के बाहर काम पे जाना नहीं होता है, पर ये घर संभाल के, सबकी ज़रूरतें संभाल के, अपने 2 घंटे में 3 घंटे में भी कुछ काम कर पाना, और उनको वो इंडिपेंडेंस ये प्रोडक्ट देता है, ये कंपनी देती है. एंड आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग. वेल डेफिनेटली कहीं पे कुछ अगर मैं कनेक्ट कर पाऊँ उस प्रोडक्ट के साथ तो ज़्यादा अच्छा होता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ. सो इस प्रोडक्ट के साथ भी ये कनेक्शन था, ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी. और जैसे मैंने कहा कि क्वालिटी इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसे मैं नहीं कह सकती कि मुझसे गलती नहीं होगी, मैं भी ह्यूमन हूँ और कभी हो सकती है गलती, लेकिन कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाए, और जहाँ तक हो सके बात मेरे नॉलेज में जितनी हो वो मैं सही कर सकूँ, ये प्रयास तो हमेशा यही रहता है. वेल आई थिंक फिट तो नहीं थी पहले, क्योंकि मैं नेचुरली थिन थी, तो कभी मैंने वर्कआउट लाइफ में किया ही नहीं था. आफ्टर आई हैड माय सन और जो वेट पुट ऑन, और उसके बाद में भी जैसे यू नो मेरे करियर के दौरान जो एक्सीडेंट्स हुए थे, जो इंजरीज हुई थी, उनका ध्यान ही नहीं दिया था कभी. तो अभी जाके जब मेरे बेटे का जन्म हुआ, उसके बाद में आई रियलाइज़ की जो मेरी माँ कहा करती थी, अभी नहीं मालूम पड़ रहा आप रेस्ट नहीं कर रही हो, अभी ध्यान नहीं दे रही हो, बाद में जब यू नो जॉइंट्स पेन करेंगे और ये होगा वो होगा तब मालूम पड़ेगा, और वो दिन आ गया जब मालूम पड़ने लग गया. एंड आई रियलाइज़ की पतला होना अलग बात है और फिट होना अलग बात है, और जो ज़रूरी है वो पतला होना नहीं, ज़रूरी है कि हम फिट हो, और फिट होने के लिए यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू ईट हेल्दी, और वो मैंने शुरू किया. ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को. डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज.